वेलकम स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर चल रहा था अपना एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप या ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स। उसमें एसिटो एसिटिक एस्टर अपन कर चुके, मेलोनिक एस्टर कर चुके। दो छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं, आज हम करेंगे फर्स्ट इसमें 1,3-diethyls। ठीक है, अब जैसा नाम से ही दिख रहा है 1,3 यानी 1 पोजिशन और 3 पोजिशन पे डाई थाइंस। ठीक है, डाई यानी दो, थाए यानी सल्फर और एन यानी ये एल्केन के ही डेरिवेटिव होंगे। तो ये 5 या 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे सल्फर एटम है वो प्रेजेंट। ठीक है, देखो इसमें वन टू और थ्री, तो फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे सल्फर प्रेजेंट है। इसी तरीके से 6 मेंबर में 1, 2 और 3, इन दोनों को ही अपन क्या कहेंगे 1,3-diethyls। 6 मेंबर जो है, ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो सल्फर एटम, सल्फर है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके बीच में ये मेथिलीन ग्रुप आ जाता है। अब मेथिलीन यानी CH2 ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये मेथिलीन ग्रुप है दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में है, तो यहाँ के जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे रिएक्टिव हो जाएंगे और ये इजीली रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे। अब यहाँ पे जो 6 मेंबर है ये चेयर फॉर्म में स्टेबल करता है, चेयर फॉर्म में जो सल्फर एटम्स होते हैं दोनों, सल्फर एटम दूर दूर है, इनके जो लोन पेयर है इनके बीच में रिपल्शन है वो कम से कम होता है। इस वजह से जो 6 मेंबर है वो कौन सी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, ये चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो 1,3-diethyls क्या होंगे, 5 या 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, साइक्लिक एल्केन्स होते हैं जिसमें 1 और 3 पोजीशन पे सल्फर एटम प्रेजेंट होते हैं। इसकी पोजीशन सेकंड पे मेथिलीन ग्रुप है वो प्रेजेंट है, और जो मेथिलीन ग्रुप है दो सल्फर यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में आने की वजह से यहाँ के जो हाइड्रोजन है वो रिएक्टिव हो जाएंगे और वो इजीली रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपन 1,3-diethyls से उनका सिंथेसिस किस तरीके से किया जाता है। सिंथेसिस, ठीक है, अब 1,3-diethyls की रिएक्शन, इसका सिंथेसिस करने के लिए इनकी रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से कराएंगे या किसी दूसरे एल्डिहाइड से या कीटोन से कराएंगे। अब फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन है वो कराएंगे प्रोपेन 1,3-diethyl। ये प्रोपेन है, 1, 2 और 3 एल्केन है, 3 कार्बन एटम है यहाँ पे और 2 SH है, तो प्रोपेन 1,3-diethyl। केवल ओल है वो OH ग्रुप के लिए काम करेंगे और SH ग्रुप है उसको क्या बोल दिया जाता है, यहाँ पे थायोल बोल देंगे। अब यहाँ पे ये दोनों हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ में H2O के फॉर्म में यहाँ पे निकल जाएगा। अब यहाँ देखो 1, 2, 3 तो CH2 ग्रुप है, 2 सल्फर है और ये एक क्या आ जाएगा, यहाँ पे CH2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगी CH2, 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 ये सल्फर और आगे क्या चाहिए यहाँ पे CH2, तो ये क्या हो गया 1,3-diethyls। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से 1,3-diethyls का सिंथेसिस करने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड या दूसरे कार्बोनल कंपाउंड से उसकी रिएक्शन किसके साथ में कराएंगे, प्रोपेन 1,3-diethyl के साथ में कराएंगे। एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे 1,3-diethyl से इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके यूजेस पढ़ते हैं। इसके यूजेस में सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसका एल्काइलेशन, इसका एल्काइलेशन है वो किस तरीके से कराया जाए। ठीक है, ये 1,3-diethyls है। ठीक है, एल्काइलेशन करवाने के लिए सबसे पहले इसका करेंगे लिथियम सॉल्ट फॉर्मेशन। इसके लिथियम सॉल्ट
सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। लिथियम सॉल्ट का फॉर्मेशन है वो टेट्राहाइड्रोक्यूरेन सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होता है और इसकी रिएक्शन कराएंगे अपन ब्यूटाइल लिथियम। ठीक है, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है तो मेटल पे प्लस चार्ज होगा और ब्यूटाइल इस पे कैसा चार्ज होगा, यहाँ पे माइनस चार्ज होगा। अब 1,3 डाइक्लोरीन से सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो यहाँ पे हाइड्रोजन किसके फॉर्म में निकल जाएगा, प्रोटॉन के फॉर्म में निकल जाएगा यहाँ पे, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिथियम मेटल है वो आ जाएगा। तो CH माइनस लिथियम प्लस, ये इसके लिथियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। लिथियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होने के बाद में सेकेंड स्टेप में क्या करवाएंगे अपन, इसका एल्काइलेशन। एल्काइलेशन के लिए इसकी रिएक्शन करवाते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ। CH माइनस और लिथियम प्लस, इसकी रिएक्शन करवाएंगे एल्काइल हैलाइड। एल्काइल ग्रुप जो हमें रिक्वायर्ड है वही लेंगे यहाँ पे, एल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। तो एल्काइल हैलाइड में भी एक्स पे माइनस चार्ज होगा और आर पे कैसा चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा। तो लिथियम प्लस है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पे, आर प्लस। CH आर तो ये क्या हो गया, मोनो एल्काइल 1,3 डाइथाइल्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक और हाइड्रोजन है, ये भी रिएक्टिव है क्योंकि ये भी दो सल्फर एटम्स के बीच में है। तो अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड करते हैं तो इसकी रिएक्शन वापस से सबसे पहले करवाएंगे ब्यूटाइल लिथियम के साथ में, किसकी प्रेजेंस में होगी, THF की प्रेजेंस में, THF यानी टेट्राहाइड्रोक्यूरेन। ठीक है, और फिर उसके बाद में उससे इसका लिथियम सॉल्ट बन जाएगा और सेकेंड स्टेप में आर डैश एक्स के साथ में करवाएंगे। तो जो H ग्रुप है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, आर डैश से हो जाएगा। तो सी आर आर डैश एस एस, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड 1,3 डाइथाइल्स का फॉर्मेशन हो गया। अब जो एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड जो डाइथाइल्स है उनकी क्या यूटिलिटी है, अब इसका अपन HgCl2 मर्क्यूरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 1,3 डाइथाइल्स अलग हो जाते हैं और हमें एक नया कार्बोनाइल कंपाउंड है वो मिल। यहां देखो आर CH, ठीक है, ये 1,3 डाइथाइल्स है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, इसकी रिएक्शन करवाएंगे मर्क्यूरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ पे बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो ये तो वापस से 1,3 डाइथाइल्स का फॉर्मेशन हो गया, 1,3 डाइथाइल सॉरी प्रोपेन 1,3 डाइओल का फॉर्मेशन हो गया और यहाँ पे आ जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ तो प्लस आर सी एच। तो ये वाला जो 1,3 डाइथाइल्स है इसकी सिंथेसिस में तो अपन ने फॉर्मेल्डिहाइड यूज में लिया था, तो फॉर्मेल्डिहाइड है उससे कौन सा एल्डिहाइड बना लिया अपन ने, कोई दूसरा एल्काइल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर। अब यहाँ पे अगर ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है तो डाई सब्स्टिट्यूटेड का अगर मर्क्यूरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बॉन्ड भी यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये किस में चेंज हो जाएगा, कीटोन में चेंज हो जाएगा और वापस से प्रोपेन 1,3 डाइओल है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। CH2 ये यहाँ पे SH और ये भी क्या हो गया यहाँ पे SH। ठीक है, तो 1,3 डाइथाइल्स है उसमें जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसके हाइड्रोजन है, ये कार्बोनाइल ग्रुप पे CH2 है तो इसके हाइड्रोजन की जगह कोई भी रिक्वायर्ड हमें कोई भी एल्काइल ग्रुप चाहिए वो यूज में ले सकते। ठीक है, अब एक और खास बात देखो 1,3 डाइथाइल्स की, जैसे ये CH2 कौन सा है, फॉर्मेल्डिहाइड से है, H C डबल बॉन्ड O H। अब इस फॉर्मेल्डिहाइड में कार्बोनाइल कंपाउंड्स में H C डबल बॉन्ड O H, ये तो अपना कार्बोनाइल कंपाउंड था और कार्बोनाइल कंपाउंड से किसका सिंथेसिस किया था, 1,3 डाइथाइल्स का, ये SH और ये SH, इन दोनों ने मिलके कंपाउंड का फॉर्मेशन किया SS और ये CH। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो जो कार्बोनाइल कंपाउंड होता है उसमें कार्बन एटम पे कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज, ठीक है, कार्बन एटम पे प्लस चार्ज है। लेकिन यहाँ पे 1,3-dihydrogens का जब फॉर्मेशन हो जाएगा तब यहाँ कार्बन एटम पे कैसा चार्ज आ जाता है, यहाँ पे माइनस चार्ज, यानी कार्बन का जो चार्ज है वो रिवर्स हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं अपन, रिवर्स इन पोलैरिटी। पोलैरिटी चार्ज को पोलैरिटी कहते हैं। तो पहले कार्बोनाइल कंपाउंड के कार्बन पे प्लस चार्ज था, लेकिन जैसे ही 1,3-dihydrogens का फॉर्मेशन हुआ कार्बोनाइल कंपाउंड के कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया, यहाँ पे माइनस चार्ज, ठीक है। तो इस ये जो लिगेंड है 1,3-dihydrogens, ये बनने से ही कार्बन का चार्ज है वो चेंज हो रहा है, इस वजह से इसको बोलते हैं अम्बलक। जो 1,3-dihydrogens है उसको क्या बोला जाता है, अम्बलक। अम्बलक एक जर्मन वर्ड है, उसका मीनिंग होता है रिवर्स इन पोलैरिटी। तो कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा अम्बलक रिएजेंट होता है, तो अम्बलक रिएजेंट कौन सा होगा, 1,3-dihydrogens, क्योंकि 1,3-dihydrogens के फॉर्मेशन से ही चार्ज है वो क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो ये अपना हो गया 1,3-dihydrogens। 1,3-dihydrogens से मोनो एल्काइल सब्सटीट्यूटेड बनाया, डाई एल्काइल सब्सटीट्यूटेड बनाया, अपन ने एल्काइल ग्रुप का सब्सटीट्यूशन किया, तब अपन ने जो अपना कार्बोनाइल ग्रुप लिया था उसके हाइड्रोजन एटम है उसको किसी भी दूसरे ग्रुप से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हो गया, यहाँ पे अब इसकी रिएक्शन किसके साथ में करेंगे, एसाइलाइन आर सी ओ एक्स के, आर सी ओ एक्स के साथ में होगा तो प्लस चार्ज किस पे होगा, आर सी ओ प्लस पे होगा, तो यहाँ पे लिथियम प्लस है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, सी ओ आर, एस एस, फिर यहाँ पे सी एच तो है, सी एच के साथ में और क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे सी ओ आर, ठीक है। अब ये सी ओ आर हो गया यहाँ पे, अब इसका अगर हाइड्रोलिसिस कराएंगे किसकी प्रेजेंस में होता है, यह हाइड्रोलिसिस मर्क्यूरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में होगा, तो ये दोनों बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होंगे, ये तो वापस से प्रोपेन 1,3-dithiol का फॉर्मेशन करेंगे, और यहाँ पे R C डबल बॉन्ड O C H O, ठीक है। SH और SH अपना जो वापस से लिया था उसका प्रोपेन 1,3-dithiol का फॉर्मेशन वापस से हो गया, यहाँ पे अल्फा कीटो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, या यहाँ पे एक और H की जगह अगर R ग्रुप होता तो यहाँ पे अल्फा डाई कीटोन्स का फॉर्मेशन भी हम कर सकते, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना 1,3-dithiol, 1,3-dithiol का सबसे पहले एल्काइलेशन कराना है, ब्यूटाइल लिथियम से रिएक्शन THF के प्रेजेंस में होगा, ठीक है, लिथियम सॉल्ट बनेगा, फिर उसकी रिएक्शन अल्काइल हैलाइड से करेंगे, और फिर उसका हाइड्रोलिसिस किसके प्रेजेंस में करना है, मर्क्यूरी क्लोराइड के प्रेजेंस में करना है, और अगर एसाइल क्लोराइड के साथ में करेंगे तो यहाँ पे एसाइल ग्रुप आ जाएगा, इसका हाइड्रोलिसिस किया तो या तो अल्फा कीटो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा या फिर अल्फा डाई कीटोन्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब ये तो होना मीन्स देखो नाम से भी दिख रहा है इन इनवर्ड इन प्लस अमीन, इन यानी डबल बॉन्ड, अमीन यानी एनएच, ठीक है। तो जिसमें इन भी प्रेजेंट हो और अमीन भी प्रेजेंट हो उन कंपाउंड्स को अपन क्या कहेंगे, इनामीन्स कहेंगे। अब देखो इनामीन्स का सिंथेसिस है वो किस तरीके से किया जाएगा, इनामीन्स के सिंथेसिस के लिए कार्बोनाइल कंपाउंड जिसमें अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ये तो हो गया कार्बोनाइल ग्रुप, अब इसकी अल्फा पोजीशन पे एक हाइड्रोजन होना चाहिए और कोई भी ग्रुप यहाँ पे हो सकता है। ये कार्बोनाइल कंपाउंड है वो रिएक्शन करेंगे सेकेंडरी अमीन के साथ में, 2° अमीन, ठीक है, 2° अमीन के साथ में रिएक्शन करके ही किसका फॉर्मेशन करेंगे, ये इन अमीन का फॉर्मेशन करेंगे। अब देखो ये रिएक्शन सबसे पहले कैसे होगी, कार्बोनाइल ग्रुप है ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होगा तो H यहाँ पे अटैच हो जाएगा और कार्बन के पास में कौन सा ग्रुप अटैच हो जाएगा, NR2 सी एच, इस कार्बन के पास में OH, एक ऊपर एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है कोई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा NR2, ठीक है। अब OH H नियरेस्ट पोजीशन पे यहाँ पे किसका लॉस हो जाएगा, यहाँ पे
वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सी एन आर टू, इसी को क्या कहेंगे अपन इनामिन्स, इन और अमीन दोनों है, ये इन आ गया और ये अमीन आ गया। अब इसके रिएक्शन अगर करवाते हैं आगे एल्काइल हैलाइड से, तो रिएक्शन किस तरीके से होगी, देखो नाइट्रोजन पे लॉन्ग पेयर प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन के लॉन्ग पेयर है वो आगे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और ये जो बॉन्ड है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो इसके साथ में कौन अटैच हो जाएगा, यहाँ पे आर डैश है वो अटैच हो जाएगा, आर या आर डैश कोई भी हो सकता है यहाँ पे, तो सी आर डैश ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड एन आर टू, और इस पे कैसा चार्ज हो जाएगा यहाँ पे प्लस चार्ज। इसका अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप में सी आर डैश सी डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये इनामिन्स के सिंथेसिस से अपन ने क्या किया कि जो कार्बोनिल ग्रुप कंपाउंड है उनकी अल्फा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है उसको किसी भी एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसके इनामिन्स का फॉर्मेशन करेंगे, फिर उसकी रिएक्शन जो डिजायर्ड अपना एल्काइल ग्रुप है उसका हैलाइड लेने उसके साथ करेंगे, और फिर क्या करेंगे उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, तब यहाँ पे अल्फा एल्काइल कार्बोनिल कंपाउंड है उसका फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कब आएगा एल्काइल ग्रुप, यहाँ पे जब यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट, ठीक है। अब देखो इसमें एक रिएक्शन देखते हैं अपन साइक्लिक कंपाउंड्स की, डबल बॉन्ड ठीक है एन के साथ में एच हो जाए, ठीक है। ये सेकेंडरी अमीन है, दो एल्काइल ग्रुप है और एक यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, ये अपना कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पे हो गया। सबसे पहले देखो उसी तरीके से रिएक्शन होगी, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर हो गए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ अपन साइक्लोहेक्सेनॉन है, साइक्लोहेक्सेनॉन है उसको अपन अल्फा एलाइन साइक्लोहेक्सेनॉन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेनॉन है उसकी अल्फा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप लाना है अपन को, एलाइन ग्रुप में वो लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी सेकेंडरी अमीन के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज तो हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगा, अब इस कार्बन पे प्लस चार्ज है तो ये नाइट्रोजन वाली रिंग है वो इसके साथ में अटैच हो जाएगा, ठीक है। और इस कार्बन के साथ में एक और क्या जुड़ गया यहाँ पे OH, ठीक है। अब उसी तरीके से रिएक्शन हो रही जैसे ओपन चेन हो रही थी, ये OH ग्रुप है इसके अल्फा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है ये दोनों किसकी फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में लॉस हो जाएगा और इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये यहाँ पे डबल। अब इसकी रिएक्शन है वो एलाइल हैलाइड के साथ में करवाएंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl, ये एलाइल हैलाइड है उसके साथ में इसकी रिएक्शन करवाएंगे। अब देखो नाइट्रोजन पे लॉन्ग पेयर है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो गए। अब नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ इन्वॉल्व हो गए तो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा यहाँ पे और इस कार्बन पे माइनस चार्ज है। अब इस पे माइनस चार्ज है तो जो एलाइल पे क्लोराइड हट गया तो इसका कार्बोकेटाइन बन गया, तो एलाइल का कार्बोकेटाइन है वो इसके अल्फा पोजिशन पे अटैच हो जाएगा यहाँ पे नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज, ये बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा ग्रुप जुड़ गया था, एलाइल ग्रुप, इधर वाले पे जोड़ सकते हैं या इस साइड वाले पे कर लो CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये अल्फा पोजीशन पे एलाइल ग्रुप आ गया। अब इसका आगे हाइड्रोलिसिस होगा,
तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो ये वापस से अमीन है वो तो अलग होगी, एनएच ये अमीन वापस से अलग हो गई, और जो साइक्लोहेक्सेनॉन है उसकी अल्फा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप आ गया यहाँ पे अलग है, ये किसका फॉर्मेशन हो गया हमने अल्फा एलाइल साइक्लोहेक्सेनॉन। तो सिंपल साइक्लोहेक्सेनॉन है उसको अपन ने किस में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे अल्फा एलाइल साइक्लोहेक्सेनॉन। तो इनामिन्स के सिंथेसिस से क्या कर सकते हैं अपन, कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड है उसकी अल्फा पोजीशन का जो हाइड्रोजन है उसको किसी भी एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो चैप्टर है ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स, उसमें एसिटोएसिटिक एस्टर, मेलोनिक एस्टर, वनथ्रीडाइथाइन्स और लास्ट टॉपिक क्या हो गया अपना इनामिन्स कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।